मुसलमान फतूहात का जिक्र करते हुए अब हम 86 हिजरी तक पहुंच गए कि जब उम्मी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर है। इससे पहले कि हम वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर का जिक्र करें और इनकी फतूहात की बात करें, हम इनके एक गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। तारीख इस्लाम में हज्जाज बिन यूसुफ एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल वजूद की हैसियत से सामने आए। इस शख्स ने जहां तो दाखिली सिक्योरिटी के मामलात में इंतहाई शिद्दत और सख्ती का मामला इख्तियार किया और दरबार नबी के कई फूल भी इसकी तलवार से रोंदे चले गए। खाना काबा पर भी, मक्का मुकरमा पर भी इसकी फौजों ने हमला किया और बेदरेर बेइंतहा मुसलमानों का खून बहाया अपनी सल्तनत को संभाला देने के लिए। यह इसका तारीख पहलू है। सल्तनत इस्लामिया की खारजा पॉलिसी के लिहाज से हज्जाज बिन यूसुफ एक जीनियस था। उसने जो फॉरन पॉलिसी मुरतब की, उसने इस्लाम की सरहदों को दुनिया की आखिरी हदों तक फैला दिया और उसके अलावा कुछ ऐसी गैर मामूली बातें की जिनका आज हम जिक्र करना चाहेंगे। हज्जाज ने खलीफा को यह मशवरा दिया कि बाजंतीनी हुक्मरानों को सजा देने का और उनकी माशी कुवत को तोड़ने का एक बहुत जबरदस्त तरीका यह हो सकता है कि हम बाइजेंटाइन एम्पायर के सिक्के बिलाद इस्लामिया में इस्तेमाल करना बंद कर दें। यानी यह करेंसी वॉर थी। बिलाद इस्लामिया में उसके बाद बाइजेंटाइनी सिक्कों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया और उनकी जगह पर खिलाफत इस्लामिया ने अपने मजीद सोने और चांदी के सिक्के जारी कर दिए, जो पहले भी जारी थे, लेकिन उस कमी को कॉम्पनसेट करने के लिए कि जो बाइजेंटाइनी सिक्कों के इस्तेमाल न करने की वजह से पैदा होती है, उसको पूरा कर लिया गया। नतीजा से क्या हुआ, इसकी डायमेंशन क्या है? बुनियादी तौर पर मुसलमान जब सरहदों पर टकरा रहे थे बाइजेंटाइनी सल्तनत के साथ, लेकिन तजारत आपस में जारी थी। बाइजेंटाइनी ताजर मुसलमान सरहदों में आते, अपने सिक्के लेकर आते, तजारत करते और वापस चले जाते थे। अब जब मुसलमानों ने उनके सिक्के इस्तेमाल करना बंद कर दिए, इसका मतलब यह था कि अब बाइजेंटाइन्स को अपनी करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ती मुसलमान सल्तनत में आके, और उसकी तजारत को शदीद नुकसान पहुंचा। यानी मुसलमानों ने फॉरन एक्सचेंज करेंसी इस्तेमाल करना बंद कर दी और अपनी करेंसी इस्तेमाल करने लगे। इतना शदीद माशी सदमा पहुंचा इससे बाइजेंटाइन एम्पायर को कि उन्होंने खिलाफत इस्लामिया पर जंग मुसल्लत की। तकरीबन उसी दौर में सेबास्टोपोल के मकाम पर, जो आज तुर्की में वाक़ है, एक खौफनाक जंग हुई मुसलमानों में और बाइजेंटाइनियों में। उस जंग की वजह सिर्फ यह थी कि मुसलमानों ने बाइजेंटाइन्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। उस जंग में बुरी तरह उनको शिकस्त हुई और उनकी माशी तौर पर भी कमर तोड़ दी गई। ये इतना गैर मामूली फिनोमेना है जिसका तारीख इस्लाम में जिक्र नहीं किया जाता। तकरीबन 1400 साल के बाद अमेरिकन्स ने यही पॉलिसी इस्तेमाल की इराक के खिलाफ, जब सद्दाम हुसैन ने इराकी इकोनॉमी को डॉलर से कन्वर्ट करके यूरो में ले जाने की कोशिश की और अपने फॉरेन एक्सचेंज डॉलर से तब्दील करके यूरो में लेके जाने लगा, तो अमेरिकन्स ने इसी बात की वजह से इराक पर एक जंग मुसल्लत की। तकरीबन 85 हिजरी के आसपास सेबास्टोपोल की लड़ाई वो पहली लड़ाई थी इंसान की तारीख में जो करेंसी एक्सचेंज पर लड़ी गई और उसके असरात आज तक दुनिया महसूस करती है। इसके अलावा जो हज्जाज बिन यूसुफ ने गैर मामूली फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कारनामे अंजाम दिए, उन्होंने 3 आला तरीन जर्नैल सेलेक्ट किए। कुतैबा बिन मुस्लिम, जिनको जो खुरासान के गवर्नर थे, उनको मावरा और नहर और सेंट्रल एशिया फतह करने के लिए रवाना किया। मोहम्मद बिन कासिम, जो इसके भतीजे भी थे, उनको हिंद की फतह के लिए रवाना किया। और मूसा बिन नुसैर, जो अफ्रीका के गवर्नर थे, उनको और तारिक बिन ज़ियाद को स्पेन पर हमला करने का हुक्म दिया। ये तमाम गैर मामूली वाकयात ऐसे हैं खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में कि जिनकी वजह से उस वक्त की नॉन दुनिया के कोने कोने तक मुसलमान सल्तनत वसी हो गई। और इस तमाम फतूहात का मास्टरमाइंड या सहरा हज्जाज बिन यूसुफ को जाता है। जिस तरह जालिम हुक्मरान मुसलमानों से खौफ खाते थे, इसी तरह उनकी शहरी आबादी मुसलमानों से आफियत महसूस करती थी और मुसलमानों की मदद तलब करती थी। आपको बैतुल मक़द्दस शरीफ का वाकया याद होगा कि जब सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला ने बैतुल मक़द्दस शरीफ फतह किया, तो तमाम ईसाइयों ने अपने हाथों से शहर उनके हवाले किया और जो इज्जत और आबरू उनको नसीब दी गई, जो उनको सुकून दिया गया, इत्मीनान दिया गया, जो निकलना चाहता था वहां से उसको निकलने की इजाजत दी गई, ये तमाम खबरें
पूरी दुनिया में फैल रही थी कि मुसलमान शहरी आबादी से क्या सलूक करते हैं। इसी तरह आपको यह याद होगा कि जब मुसलमान मिस्र में पहुंचते हैं हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हों के साथ, तो किब्ती ईसाइयों ने मुसलमानों की बहुत मदद की इन्हीं खबरों की बुनियाद पर कि जो मुसलमान शहरी आबादी के साथ करते चले आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत अमर बिन आस को एक मरतबा फरमाया था कि जब तुम मिस्र जाओ, जिसका मफहूम आपके बयान का यह है कि जब तुम मिस्र जाओ तो वहां किब्ती ईसाइयों के साथ अच्छा सलूक करना, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की निस्बत से भी और बीबी मारिया किब्तिया उम्मुल मोमिनीन की निस्बत से भी, क्योंकि ये हमारे रिश्तेदार भी होते हैं। जब ये बात हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला उन्होंने किब्ती राहिबों को बताई तो उन्होंने गवाही दी इस बात की कि ये निस्बतदारी, ये रिश्तेदारी और ये लिहाज सिर्फ एक नबी ही कर सकते हैं। इसी तरह जब मुसलमान मूसा बिन नुसैर की क्यादत में अफ्रीका पर हुकूमत कर रहे थे, जो कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के गवर्नर थे, हज्जाज बिन यूसुफ उनकी क्यादत करते थे, उस वक्त यूरोप में और खास तौर पर स्पेन के आइबेरियन पेनिनसुला में, जो आज का स्पेन कहलाता है, वहां पे विसिगोथ किंग्स और बादशाह और काउंट हुकूमत कर रहे थे। इनका जुल्म और जबर मशहूर था अपनी कौम के खिलाफ, सिविल वॉर खाना जंगी हो रही थी और किसी की जान माल इज्जत और आबरू महफूज नहीं थी। इसी सूरत हाल में एक गोथ काउंट जूलियन ने, जिसके ताल्लुकात बादशाह के साथ खराब इस वजह से हो गए थे कि बादशाह ने उसकी इज्जत पे हमला किया था, उसने मुसलमानों से मदद की दरखास्त की। मूसा बिन नुसैर सबसे पहले इन्होंने एक प्रोबिंग एक्सपेडिशन एक कमांडर तारिफ की कयादत में आइबेरियन पेनिनसुला यानी स्पेन के साउथ पे 400 मुजाहिदों के साथ लैंड किया। तारिफ के नाम से वो जगह इतनी मशहूर हुई कि आज भी सदर्न स्पेन में वो जगह तारिफा के नाम से मशहूर है। जब यह मुहिम कामयाब रही और मुसलमानों को किसी किस्म की कोई मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ा, तो 12,000 के दस्तों के साथ मूसा बिन नुसैर ने अपने बर्बर कमांडर तारिक बिन ज़ियाद को हुक्म दिया कि बराह रास्त इन्वेजन की जाए हस्पानिया पे, जिसको मुसलमान उंदलुसिया कहा करते थे।